बात करते हैं जबलपुर की, जहां जबलपुर शहर में चलने वाली मेट्रो बसें अब आम राहगीरों के लिए काल बन रही है। हाल ही में एक घटना सामने आई है अहिंसा चौक के पास, जहां तेज रफ्तार मेट्रो बस ने कॉलेज छात्रा को टक्कर मार दी। इस घटना में छात्रा के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने घायल छात्रा को तुरंत ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज जारी है। मामला यह है कि एक लड़की स्कूटी एक्टिवा से इधर दीनदयाल चौक से अहिंसा चौक की तरफ जा रही थी, तो समानांतर ही एक मेट्रो बस जो नगर निगम द्वारा चलाई जाती है वो भी जा रही थी, लेकिन लड़की ने ओवरटेक थोड़ा सा करने की कोशिश की उसको, तो मेट्रो बस का आगे का टायर उससे टकरा गया और बच्ची को पैरों में चोट आई हुई है, तो जिसको सेल्बी हॉस्पिटल में भी भर्ती करा दिया गया है। जैसे तैयारी रहती है वहाँ से हम जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। बस चालक को गिरफ्तार कर बस चालक तुरंत मौके से भाग गया है, लेकिन हम 133 MB एक्ट का नोटिस देकर संबंधित बस कंपनी को खुलासा करवाएंगे कि आपके इस रूट पे इस समय के दौरान कौन बस चला रहा था। जो भी बस चालक होगा उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और उसको गिरफ्तार किया जाएगा। जी ओके थैंक यू। हिसार के गांव रायपुर में युवा कांग्रेस ने चलो पंचायत अभियान के बैनर तले एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में ग्रामीण जुटे। ये कार्यक्रम युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और जिला पार्षद कृष्ण सातरोड की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। श्रृंखला हम लोगों ने पंजाब चुनाव के दौरान शुरू की थी कि हम किस तरीके से इस देश के किसानों की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं, इस देश के नौजवानों की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं, क्या विजन कांग्रेस पार्टी का इस देश के किसानों के लिए, इस देश के नौजवानों के लिए है, वो श्रृंखला हम लोगों ने पंजाब से शुरू की थी और पंजाब से शुरू करके हम लोगों ने कर्नाटक में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हमने किया। तो चलो पंचायत जो हमारा अभियान है, जो कार्यक्रम है, बेसिकली ग्रामीण स्तर पर हम कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां रही हैं पुराने समय से और राहुल गांधी जी बार बार उनको दोहरा रहे हैं कि इस किसान, इस देश के किसानों को उसकी फसल का समुचित दाम मिलना चाहिए और जो गलत सरकारी नीतियों के कारण कर्ज का बोझ दिनों दिन किसानों के ऊपर बढ़ता जा रहा है, जिस कारण से इस देश का किसान अन्नदाता आत्महत्या करने को मजबूर है विभिन्न प्रदेशों में, तो उन सारी चीज़ों से निजात दिलाने के लिए हम लोगों की क्या योजना है, हमारा क्या विजन है, भविष्य में हम कैसा सिस्टम लाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की सरकारों के अंदर, वो हम लोग उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और कर्नाटक को लेकर के हरियाणा में भी चल रहे हैं और चलो पंचायत अभियान के दौरान हम किसानों को, नौजवानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। अभी आप देखिए, केंद्रीय नेतृत्व में पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस पार्टी में हमारे एक नेता हैं फिलहाल, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय राहुल गांधी जी। हरियाणा प्रदेश में क्योंकि बहुत इस प्रदेश के नौजवानों ने, इस प्रदेश के किसानों ने, इस प्रदेश के लोगों ने बहुत सारे नेताओं को अपना समर्थन समय समय पर दिया, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि बहुत सारे मजबूत चेहरे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास और अपने अपने समय पर वो अच्छा प्रदर्शन अपने अपने क्षेत्रों में करते रहे, लेकिन यूनिवर्सली हमारे पास एक ही नेता है राहुल गांधी, वो सभी का नेतृत्व करते हैं और राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश के अनुसार आपने पीछे देखा होगा जींद के उपचुनाव में तमाम जो हमारे कद्दावर नेता हैं हरियाणा प्रदेश के, उन्होंने एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने का प्रयास किया और राहुल गांधी जी ने सब लोगों को जो निर्देश दिया था उसका अनुपालन सभी साथियों ने किया। किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटी में सबसे ज्यादा जो भागीदारी होती है वो युवा होती है, राजनीति में भी इसी तरीके से मौका उनको मिलेगा? देखिए, सक्रिय राजनीति में, चुनावी राजनीति में आपको मैं बताना चाहूंगा कि 33 नौजवानों को, नए युवाओं को जो युवा कांग्रेस के बैनर तले अपनी राजनीति चला रहे थे, उन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने टिकट देने का काम किया। उसमें से 14 नए लोग विधायक बनकर के अलग अलग प्रदेशों की विधानसभाओं में पहुंचे हैं और यदि संगठन में पदों की आप बात करें तो हमारे एक विधानसभा के अध्यक्ष वो विधायक बने हैं अभी, हमारे एक युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अभी MLA बने हैं, हमारे 4 प्रदेश के महासचिव MLA बने हैं, हमारे 3-4 प्रदेश के सचिव MLA बन गए हैं। तो राहुल गांधी हमेशा से युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि चुनावी राजनीति में जाने से पहले ग्राउंड लेवल पर आपको मजबूत होना चाहिए, तभी आप
इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आपको जाना चाहिए। जो चलो पंचायत अभियान है, खास तौर पर जो हमारे नौजवान साथी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, ये विशेष तौर पर हम लोगों ने उन लोगों को ये कार्यक्रम दिया है। हिंदुस्तान निर्माण दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया कैराना पहुंचे, जहां पर प्रवीण तोगड़िया ने पुलवामा आतंकी हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। तोगड़िया का कहना है कि पाकिस्तान को घुटनों पर लाने वाले पीएम नरेंद्र मोदी खुद घुटनों पर आ गए हैं। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद हरियाणा में कई जगहों पर हल्की बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तापमान में गिरावट आने से आम आदमी को ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं को भी बड़ी राहत मिली है और बूंदाबांदी से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। दक्षिण हरियाणा में जहां पानी की अधिक किल्लत है, उन क्षेत्रों के खेतों में खड़ी फसलों में इस प्रकार की बारिश घी जैसा काम करती है। आज बारिश ठीक है जी, पशुओं में चारे में ये इनमें बहुत फायदा है, कोई भी वो नुकसान वाली बात नहीं है। इस सरसम की ही बरसम की किसानों में बहुत फायदा है जी आज के समय से। तो कोई नुकसान तो नहीं इस फसल? नहीं, नुकसान नहीं। किस प्रकार की बारिश हो रही है? बारिश ठीक हो रही है जी। भिवानी में जी सर बारिश हल्की हल्की है, बहुत बढ़िया मौसम है ये और फसल के लिए बढ़िया है, नुकसान नहीं है, किसानों के लिए बहुत बढ़िया है। तेज हवा से यानी कि थोड़ा प्रभावित हो सकता है, लेकिन बाकी वो मौसम बढ़िया है। किस प्रकार की बारिश रही सुबह से? मौसम बढ़िया है, बहुत ही सुहावना मौसम हो गया है, सर्दी ज़्यादा नहीं है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। प्रियंका गांधी पूरी तरह से चुनावी रणनीति तय करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में बुधवार को अचानक पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए शामली के अमित कोरी के परिजनों से मुलाकात करने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कैराना में स्थित शिव शक्ति ढाबा में बैठकर चाय नाश्ता किया। राहुल प्रियंका के साथ यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। राहुल प्रियंका की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। गौरतलब है कि 23 जनवरी को प्रियंका को कांग्रेस पार्टी का महासचिव बनाया गया था और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभार सौंपा गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा और तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CNN। तब तक के लिए नमस्कार।